साथियों, कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। इसलिए ये लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी को धमकियां दे रहे हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला हूं। मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालियां और अपमान को बर्दाश्त करना सीखा है, और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है। मोदी इनकी गीदर भभकियों से डरने वाला नहीं है। साथियों, ये इंडी गठबंधन मुझसे कितना चिढ़े हुए हैं ये पूरा देश देख रहा है। मोदी देश की सुरक्षा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी कश्मीर से 370 को हटाने की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं। मोदी गरीब कल्याण की गारंटी देता है, माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाने की बात करता है तो ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। बालाघाट की धरती, राम पायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है, इंडी अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर चुनाव में उतरे हैं। भाइयों और बहनों, मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्मनी है। बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है। बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा है। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पास से खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनें थक जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडी अलायंस में इकट्ठा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रहूंगा।